ये पॉलिटिकल किलिंग, पॉलिटिकल एनकाउंटर, ये तो सरकारों का शगल रहा है, सच्चाई है ये तो। देखिए, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी को भी सुना और बाकी सहयोगियों को भी सुना। मुझे लगता है कि जितना दर्द मेरी बहन को और जो मेरे भाजपा के साथी बैठे हैं उनको हो रहा था एक ऐसे एनकाउंटर के लिए जिसपे कोर्ट खुद टिप्पणी कर रहा है, और एक नहीं कई टिप्पणियाँ करी है, खुद सवाल उठा रहा है, इतना दर्द यदि इनको महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर होता तो शायद वो बच्चियाँ हमारे बीच में सही सलामत होती। मुझे आज जो हाईकोर्ट ने कहा है उसकी टिप्पणी के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार है ये इंसाफ करने के लिए एनकाउंटर नहीं कर रही है, बल्कि अपनी इमेज साफ करने के लिए एनकाउंटर कर रही है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, देखिए, क्योंकि सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों में, आने वाले कुछ समय में चुनाव आ जाएगा महाराष्ट्र में, और जब ये दो बदलापुर का जब ये कांड हुआ था, जब ये घिनौना कांड हुआ था, जो दो छोटी बच्चियों से दुष्कर्म हुआ था, तो पूरा जो महाराष्ट्र की जनता है, जन जन है, बच्चा बच्चा है, सब इस सरकार के विरोध में आ गए थे। खुद कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने एक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करे, चक्का जाम किया, और तो और प्रदेश बंद करने तक की स्थिति आ गई थी। तब जाकर इनके कानों पर जू रहेंगी, तब जाकर चार दिन बाद FIR की गई। आपको बता दूं कि जो हमारे कार्यकर्ता उस बच्ची के लिए न्याय मांग रहे थे, तो यही सरकार वाले, यही भारतीय जनता पार्टी वाले और इनके सहयोगी हमारे कार्यकर्ताओं पर FIR लिख रहे थे, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। मैं तो जानना चाहता हूं कि भाई आखिरकार हमारा, और हमारा डाउट है ये कि ऐसे व्यक्ति को आपने एनकाउंटर कर दिया, उसमें दो और एब्सकॉन्डर हैं भाई, दो और एब्सकॉन्डर हैं, उनमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाई और दूसरा संघ से जुड़ा हुआ है। हम क्यों ना कहें कि आप उन दोनों को बचाने के लिए, कि उनका नाम ना आ जाए या उनकी भूमिका ना पता चले, इसलिए आपने एनकाउंटर किया है। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूं कि आपको, बहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे सुन लीजिए, आपको 15-20 मिनट मिले हैं, अब आप मेरी बात सुन लीजिए जरा। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि भाई आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी है कि भाई आप इनको क्यों नहीं पकड़ पाए अभी तक, हम क्यों आपसे सवाल ना करें इस बात के लिए, और क्यों आप हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखते हैं। दूसरी बात देखिए क्या है कि आपने, क्योंकि यूपी का जिक्र किया है, क्या कि अपनी कानून व्यवस्था, जो जर्जर कानून व्यवस्था, उस पर पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया जा रहा है लगातार, इसलिए क्योंकि देखिए क्राइम नहीं रुक रहा है। आप यूपी की बात करते हैं ना, कल ही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से चंद किलोमीटर दूर एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो कहां क्राइम रुका है? अनिल, यानी कि अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, अपराध पर पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ये सरकार ऐसा ही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हो या आपके काल में नहीं होंगे। सुनिए सुशी बेन, प्लीज, मैं आती हूँ सबके बीच में, रिगार्ड आऊंगी आपके पास, डोंट वरी, वेलकम बैक टू यू। अनिल यादव, 2006 में प्रदीप शर्मा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बड़ा जलवा था, सिंघम, खाकी, इनकाउंटर द किलिंग, सारी फिल्में बनी ऐसे लोगों पर। 312 इनकाउंटर किए प्रदीप शर्मा ने, फर्जी एनकाउंटर के मामले में सजा हो गई, किसकी सरकार थी? आप भी अपराध पर पर्दा डालने के लिए फर्जी एनकाउंटर करवा रहे थे कि भाई घर से उठा लो, मार दो, पहले किडनैप कर दो फिर मार दो। कितने साल बाद सजा हुई? 24 साल बाद। देखिए, मुझे देखिए पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बार बार ये जो आता है ना कि जो साथी कह रहे थे कि बेनिफिट ऑफ डाउट पुलिस को देना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट पुलिस को देना चाहिए, लेकिन उस बेनिफिट ऑफ डाउट के पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी छुप रही है उनको नहीं मिलना चाहिए, जहां जैसे भारतीय जनता पार्टी छुप रही है उन्होंने। मैं आज भी कहता हूं कि यदि किसी जवान के सीने में गोली लगनी हो तो उससे ज्यादा 10 अपराधियों के सीने में गोली लगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि क्योंकि सब जानते हैं कि प्रदेश की पुलिस जो है सरकार के अधीन आती है, और जब सरकार की मानसिकता ऐसी होती, 10 साल में महाराष्ट्र में प्रदीप शर्मा जैसे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पैदा हुए, जलवा जलाल था उनका, हुआ ना आपकी सरकार। गरिमा जी, क्या आपने वो डी कंपनी वाला समय भूल गए? आप जानते हैं ना, हम ही लोग थे जिन्होंने ये सब, ये जो क्राइम है जिसे जड़ से खत्म किया, जो अपराधी एक से एक, अब मैं नाम लेके उनको महिमा मंडित नहीं करूंगा, एक से एक बड़ा अपराधी, कोई दुबई तो कोई पाकिस्तान भाग गया, वो हम ही लोग थे जिन्होंने भगाया। और आज महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र नहीं है, वो महाराष्ट्र अलग था। जब किसी को आप और हम टीवी पर डिबेट कर रहे हैं और फोन आ जाता है कि डिबेट बंद करिए और यहाँ आ जाइए, वो जमाना, वो बदमाशी हमने खत्म करी है। राजकुमार जी।